सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बल्क ईमेल के बारे में कि आखिरकार बल्क ईमेल होता क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। पर उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बल्क ईमेल एक तरीके का ईमेल है जो कि हाई लेवल पे एक से ज्यादा लोगों को भेजा जा सकता है। बल्क ईमेल में नॉर्मली मार्केटिंग एंड वही एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस इंक्लूड होते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन इसका यूज बिजनेस ग्रोथ के लिए करते हैं एंड ये देखा गया है कि ईमेल मार्केटिंग के कंपैरेटिवली बल्क ईमेल का ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के समय में। आज के टाइम पे तो नॉर्मली हर एक पर्सन के पास खुद का एक ईमेल आईडी या फिर ईमेल अकाउंट होता है एंड वही अगर आप लोगों ने कभी भी अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके देखा होगा तो सबसे टॉप पे आप लोगों को एक अलग ही कॉलम बना हुआ दिख रहा होगा जिसमें कि लिखा होता है प्रोफेशनल ईमेल और वहीं उसके अंदर काफी सारी मेल्स जो हैं वो आई होती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो सारी ईमेल्स जो हैं वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों के पास आती हैं। अगर आप लोग जीमेल को डेली बेसिस पे यूज कर रहे होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि जीमेल में सिर्फ और सिर्फ आप लोग टाइम पे 250 ईमेल्स ही भेज सकते हैं। जी हाँ, यानी कि एक दिन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 250 लोगों को ही जो है वो मेल्स भेज सकते हैं। उससे ज्यादा आप लोग ईमेल्स जो है वो पर डे नहीं भेज सकते हैं। बट हाँ, वहीं अगर आप लोग अगर बल्क ईमेल को यूज करते हैं तो बल्क ईमेल के जरिए आप लोग अनलिमिटेड ईमेल्स जो हैं वो भेज सकते हैं। इसके लिए मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, पर डे आप लोगों को इतने ही मेल्स भेजने हैं या फिर इतने लोगों तक जो है वो आपकी मेल्स जाएंगी। इन बातों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि बल्क ईमेल होता क्या है एंड बल्क ईमेल नॉर्मल ईमेल से जो है वो कैसे डिफर करता है एंड क्यों लोग जो है वो बल्क ईमेल को ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मली हम जैसे लोग नहीं यूज करते हैं, ये बड़े बिजनेसमैन जो है वो इसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी प्रमोशनल ईमेल्स के बारे में बताया था। प्रमोशनल ईमेल्स जो है वो आप लोगों को मतलब कोई ऐसी आपके यूज की ईमेल्स तो होती नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट मेल्स होती हैं, यानी कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। वो मेल्स जो है वो आप लोगों के पास कंपनीज भेजती हैं अपने ऑफर्स, अपने न्यू प्रोडक्ट, मतलब आपके कोई काम की मेल नहीं होती। जैसे आपने किसी के साथ आपका जो अगर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपकी वो काम की मेल नहीं है, प्रमोशनल मेल है, वो मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास आई है। तो ये सारी मेल कंपनी सिर्फ और सिर्फ या कोई भी एक ब्रांड आप ही को नहीं भेज रहा है, वो अपने और भी कई कस्टमर्स को भेज एट अ टाइम। अब ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में हर एक कंपनी जो है वो सिर्फ 250 कस्टमर्स तक ही भेजेगी। किसी भी कंपनी के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिनके पास वो उन ईमेल्स को भेजेगी, वो एडवर्टाइजमेंट मेल को भेजेगी। तो इसलिए जो है वो कंपनीज जीमेल को ना यूज करके बल्क ईमेल को यूज करती हैं, क्योंकि बल्क ईमेल में वो क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट मेल जो है वो उसको उठा के वो मतलब बहुत सारे कस्टमर्स को भेज देती है, जिससे कि कोई भी कस्टमर ओपन करेगा तो मतलब उसे उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चलेगा एंड अगर वो चाहता है तो उस गुड्स को या उस सर्विसेज को जो है वो ले सकता है। इतना ही नहीं, बल्क ईमेल आप लोगों को इनबॉक्स के लिए 30 GB स्टोरेज भी प्रोवाइड कराता है। इस बल्क ईमेल को ना केवल आप लोग अपने कंप्यूटर में बल्कि आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में भी जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे कंपनीज जो है वो आपको बल्क ईमेल के थ्रू आपको मेल्स भेजती हैं, यानी कि मतलब वो एडवर्टाइजमेंट मेल भेजती हैं, क्योंकि मतलब उनके पास आपकी मेल आईडी कैसे पहुंचती है। पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे एज अ कंपनी जो है कैसे बल्क ईमेल का यूज करती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने किसी प्रोडक्ट को खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे। ऐप डाउनलोड करोगे तो इसके लिए आप लोग रजिस्टर करोगे, अपनी मोबाइल नंबर रजिस्टर करोगे या फिर कभी कभी वो ईमेल आईडी भी मांग लोगे, ठीक है। आप लोग अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर दोगे, साइन इन कर लोगे, उसके बाद आप लोग उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। खरीदते समय भी आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालते हो, वहाँ पे अपना एड्रेस डालते हो ताकि वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाए। एज सुन एज आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है आपको SMS आता है एंड ऑटोमेटिकली आपको एक जीमेल नोटिफिकेशन भी मिल जाती है आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको डिलीवर हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि वो जीमेल अकाउंट जो है या फिर आपका जो जीमेल मतलब आईडी है वो बेसिकली आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। जब भी आप लोग अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो मतलब जो भी मोबाइल नंबर आप डालते हैं उससे ही वो आपके मतलब ईमेल अकाउंट बनता है या जीमेल अकाउंट बनता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका अकाउंट जो है ईमेल अकाउंट जो है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टेड है एंड अगर आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनके पास आपकी ईमेल आईडी जो है वो पहुंची जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक बार जैसे ही प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाता है उसके
पास वो ब्रांड है या फिर वो जो कंपनी है, उन जैसे जैसे उनके पास ऑफर्स आएंगे, मतलब जैसे जैसे वो ऑफर्स निकालेंगे अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वैसे वैसे आप लोगों के पास प्रमोशनल ईमेल्स आने लगे। अब आप ही की जैसे काफी सारे लोगों ने जो है वो उस ब्रांड से, उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदे होंगे और हर एक कस्टमर की ईमेल आईडी उस कंपनी के पास पहुंच जाएगी। तो बजाय एक एक कस्टमर को ईमेल भेजने के, कंपनी क्या करती है, बल्क ईमेल का यूज करती है। एंड बल्क ईमेल की मदद से वो जितने भी कस्टमर्स के ईमेल आईडी उसके मतलब सिस्टम में अपलोड है, सिस्टम में पहले से पड़े हुए हैं, उन सबको वो एक क्लिक पे जो है, सिंगल क्लिक पे उन सबको जो है वो नोटिफिकेशन भेज देती है उस एडवर्टाइजमेंट की कि ये हमारा नया ऑफर है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कि बल्क ईमेल होता क्या है, बल्क ईमेल को कंपनीज यूज क्यों करती है और इसे कैसे यूज करना चाहिए और इसे क्या बेनिफिट मिलता है कंपनीज को यूज करने में। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है बल्क ईमेल से रिलेटेड या फिर ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग जानते नहीं है कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है तो आप लोगों को आई बटन में जो है वो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके उस वीडियो को चेकआउट करिए जिसमें कि मैंने आप लोगों को ब्रीफ में समझाया है, लेमैन लैंग्वेज में समझाया है कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, इसको क्यों यूज किया जाता है एंड इससे मतलब क्या प्रॉफिट होता है।